रुक करते हैं बीकानेर का, जहां पर आज से डीजी फेस्ट 2018 का आगाज होने जा रहा है। प्रदेश भर के युवा इसमें शिरकत कर रहे हैं। बता दें कि टेक क्रश को क्रिकेटर गौतम गंभीर और आरपी सिंह हरी झंडी दिखाएंगे। हैकथन के साथ साथ आईटी एक्सपो और रोजगार मेले का भी आयोजन हो रहा है, जिसमें सरकार की ई उपलब्धियों को दर्शाया गया है। वहीं हैप्पी विलेज और आदर्श विद्यालय को भी प्रदर्शित किया गया। आदर्श विद्यालय की छात्राओं से बात करने के साथ साथ हैप्पी विलेज का जायजा लिया हमारे संवाददाता लक्ष्मण राघव ने। डीजी फेस्ट में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो निश्चित तौर पर कुछ सुकून देती हैं, ये बताती हैं कि सरकार वाकई क्या कर रही है। ऐसा ये कंसेप्ट है हैप्पी विलेज का। आप देख सकते हैं यहाँ जो है अलग अलग डिस्प्ले में बताया गया है कि किस तरह से ई बाजार है, उचित मूल्य की दुकान है। ये आप देख पा रहे हैं आदर्श विद्यालय, जो कंसेप्ट है आदर्श विद्यालय का वो क्या है, किस तरह से जो है आदर्श विद्यालय चल रहे हैं आप देख सकते हैं। ये अलग अलग कंसेप्ट यहाँ पर दर्शाए गए हैं। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इसमें 27 जुलाई को शिरकत करेंगी। निश्चित तौर पर अपने आप में एक जो कंसेप्ट, कोशिश यही है कि ग्राउंड लेवल पर क्या हो रहा है उसकी एक तस्वीर जो है कहिएगा यहाँ दिखाने की कोशिश है, साथ ही साथ नई टेक्नोलॉजी से परिचय कराने का प्रयास है। हम बात करते हैं दिलीप परिहार, असिस्टेंट डायरेक्टर, उनसे समझते हैं क्या कोशिश है इस अवधारणा के पीछे। सर, हम चाहते हैं कि जिस तरह से तकनीक का विकास हुआ है और समय के साथ साथ वो तकनीक हमारे विद्यालयों तक भी पहुंचे। कल की न्यूज ये आपने देखी होगी, मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने 15 लाख विद्यालयों में डिजिटल स्मार्ट बोर्ड की बात कही है। हमने बीकानेर से इसकी शुरुआत की थी माननीय अर्जुन राम जी मेघवाल साहब से, एक CSR के अंतर्गत एक श्रीरामसर स्कूल है हमारा गवर्नमेंट का, वहाँ एक डिजिटल क्लास लगाया था। और हम चाहते हैं कि बीकानेर पूरे में हर स्कूल में एक स्मार्ट डिजिटल बोर्ड हो, जिससे बच्चे साइंस मैथ जैसे टिपिकल सब्जेक्ट बड़े आसानी से समझ सके। यानी कोशिश ये है कि सरकारी स्कूल भी प्राइवेट स्कूल की तरह हाईटेक हो। हाँ, यही माननीय मुख्यमंत्री जी जो आदर्श विद्यालय है, उत्कर्ष विद्यालय जो बन रहे हैं, आदर्श विद्यालय जो बन रहे हैं, उनमें कोशिश यही है कि आने वाले समय में सब जगह डिजिटल ये होगा तो उससे सब जगह डिजिटल होगा। देखिए ये जो है बच्चियां हैं, इनके हाथ में टैब है, ये कुछ कर रही हैं। हम इनसे समझते हैं और पूछते हैं, बेटा कुछ बताएंगे इसमें, यहाँ पर आप आए हैं, क्या आपको बताया गया है, आपके हाथ में टैब है, क्या कहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूंगी कि अच्छी तरह से समझ में आ जाता है इसमें। कौन सी स्कूल की है आप? लेडी एल। जो कोशिश है वो यही है कि जो नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है डिजिटल इंडिया का, वो वाकई धरातल पर आए, ये यहाँ पर प्रयास है। हमारे साथ एक डिप्टी डायरेक्टर और है, उनसे हम ये समझते हैं कि क्या ये जो हैप्पी विलेज का कॉन्सेप्ट है ये क्या है, जरा बताइए। हैप्पी विलेज में एक हमारा जो आदर्श गांव होता है उसमें आईटी का यूज करते हुए जो भी हमने वहाँ की दिनचर्या में जो सुविधाएं उनके लिए की हैं, जैसे आप देखेंगे अटल सेवा केंद्र है यहाँ पर, जो पेंशन है वो आपको भामाशाह प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके डोर स्टेप पर अटल सेवा केंद्र में आप जाते हैं और वहीं पर आपको पेंशन की उपलब्धता हो जाती है, क्योंकि जो ई मित्रा केंद्र है वो बैंकिंग कोरस्पोंडेंट भी है, वो आपको उसी पर डोर स्टेप पर आपको आपकी पेंशन दे देता है। स्कॉलरशिप भी इसी प्रकार से उसका डिसबर्समेंट आपके डोर स्टेप पर रूरल एरिया में हो जाता है। इसके अलावा ई मंडी का कंसेप्ट यहाँ पर दिखाया गया है, तो किसान भाई जो हैं वो ई मंडी पर अलग अलग मंडियों के ऑनलाइन भाव जो चल रहे हैं वो ट्रैक कर सकते हैं। निश्चित तौर पर अच्छा प्रयास है, लेकिन साहब एक बात बताइए, डिजिटल लिटरेसी तो इतनी है ही नहीं, डिजिटल साक्षरता इतनी है ही नहीं, तो क्या ये वास्तव में ग्राउंड तक, गांव तक वास्तव में पहुंच रहा है क्या? बिल्कुल, वास्तव में ग्राउंड तक ये पहुंच रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो डिजिटल इंडिया का नारा दिया उसमें वाकई ये धरातल पे एकदम सही हो रहा है और बिल्कुल सही, उम्मीद करें ऐसा हो रहा हो। लेकिन निश्चित तौर पर जो तस्वीर बन रही है जो सुकून देने वाली है, लगता है कि माहौल डिजिटल में है। डेजर्ट सिटी में 3 दिन ऐसा लग रहा है जैसे पूरी तरह से डिजिटल में माहौल हो गया हो। उम्मीद करें ये जो कोशिश है ये गांव, ग्रामीण और चौपाल तक पहुंचे, ताकि जो वास्तव में नीडी है वहां पर ये सिस्टम लागू हो और जो करप्शन फ्री की बात होती है वो वास्तव में मूर्त रूप लेवे। कैमरा पर्सन गुलाब रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, बीकानेर।